तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस के जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके चार बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी न्यूक्लियस के चार बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप या फिर कैरियोथीका भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप और कैरियोथीका। कैरियो का मतलब हमेशा न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है ना। जैसे कि कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो हम लोग देखा, जब हम लोग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो सबसे पहला होता है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथीका बोलते हैं उसको। फिर दूसरा आता है हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स। द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर इसको हम लोग कैरियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। इसके बाद तीसरा कॉम्पोनेंट आता है हमारा, जो कि होता है क्रोमैटिन नेट। क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन नेट से रिलेटेड एक चीज़ जो कि अभी नहीं बताई थी आपको, वो ये थी कि क्रोमैटिन नेट, दैट इज़ जिसको हम लोग न्यूक्लियर मटेरियल से भी बोल रहे थे पहले, हम लोग रिफरेंस कर रहे थे न्यूक्लियर मटेरियल से। ये हमारा फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसको क्या करा था, डिस्कवर किया था। और इन्होंने यूज़ करे थे बेसिक डाइज, ही यूज्ड बेसिक डाइज। इनको इन्होंने यूज़ करे थे बेसिक डाइज, जिसमें से एक उस बेसिक डाई का नाम क्या था, एसिटोकार्मीन। सो ही यूज्ड बेसिक डाइज लाइक एसिटोकार्मीन और इन्होंने स्टेन किया। तो ये डेंसली स्टेन जो स्ट्रक्चर था, ये जो डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर जो था, ये जो हम लोगों को देखने को मिला न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या था, बेसिकली क्रोमैटिन नेट था। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। ये जो हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो हम लोग पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेज न्यूक्लियस। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंटरफेज न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ये आप पहले से ही कंडीशन मान के चलिएगा अपने दिमाग में कि जब हम स्ट्रक्चर के किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी चीज़ की, पूरे जब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेज न्यूक्लियस। व्हाट इज़ इंटरफेज न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग। रेस्टिंग फेज में जब होता है सेल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज। और उसी फेज वाले न्यूक्लियस की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो खैर, न्यूक्लियर मटेरियल क्रोमैटिन नेट जो था, ये बेसिक डाई से स्टेन हुआ था एसिटोकार्मीन, और इसको डिस्कवर किया था किसने, फ्लेमिंग ने। ये एक पॉइंट आपको हमेशा इसमें एक और ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद हमारा आता है चौथा कंपोनेंट, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलाई भी बोलते हैं या फिर न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इट इज नोन एज न्यूक्लियोलस, इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल न्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल न्यूक्लियस या फिर इसको हम लोग राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो इतने चार कंपोनेंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं न्यूक्लियस में। क्या हैं चार कंपोनेंट्स, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप कैरियोथीका बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म या फिर कैरियोलिम्फ भी इसको बोला जाता है, क्रोमैटिन नेट। एंड द फोर्थ कॉम्पोनेंट इज न्यूक्लियोलस, विच इज ऑल्सो नोन एज निटिल न्यूक्लियस या फिर हम लोग इसको राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब हम लोग एक एक कॉम्पोनेंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम लोग देखते जाएंगे
जाएंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले अब जानने जा रहे हैं किसके बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स में। सबसे पहला स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस विच इज नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है दैट न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, विच आर पैरेलल टू ईच अदर, जो कि आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें या न्यूक्लियर एनवेलप की हम लोग बात करें, तो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। द टू मेम्ब्रेन्स, ये जो आपकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये क्या होती हैं, एक दूसरे से पैरेलल होती हैं और इनके बीच में स्पेस होता है। ये जो आपको इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होती है, ये होती है आपकी लगभग 10 से 50 नैनोमीटर के बीच में। द साइज और दिस स्पेस इज ऑफ अराउंड 10 टू 50 नैनोमीटर। 10 से 50 नैनोमीटर की ये जो स्पेस होती है, इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। दो मेम्ब्रेन्स के बीच में ये स्पेस होती है। अगर इसके पहले वाले लेक्चर आपको याद हो, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, तो आपने देखा होगा कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, समटाइम्स इट इज़ कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कभी कदार ये क्या होती है, इट इज़ कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इस तरीके से हमने आपको बताया था उस समय, कुछ इस तरीके का आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा। सो इट इज़ कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि देर आर राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट। दिस हैज राइबोसोम्स ऑन इट। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स ऑन इट। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, ठीक। फिर कुछ सर्टेन स्पेसेस पे, आप ध्यान रखिएगा, कुछ सर्टेन स्पेसेस पे, कुछ सर्टेन इंटरवल्स पे, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इट फ्यूजेस विद द इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाती है। हाँ भाई, अब देखिए, इट फ्यूजेस विद द इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन के साथ क्या कर जाती है, इस तरीके से फ्यूज कर जाती है। ध्यान से देखिएगा, जिससे कि बनते हैं हमारे छोटे छोटे पोर्स। जिससे कि क्या बनते हैं, हमारे छोटे छोटे पोर्स बनते हैं। यू कैन सी दिस पोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है, ये जो भी न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है, उसको बाहर साइटोप्लाज्म से मिक्स होने से रोकती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, रोकती है। बट ये जो हमारे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, दीज आर स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। अगर इनके साइज की हम लोग बात करें, तो इनका साइज रेंज करता है अराउंड 100 to 1000 एंगस्ट्रॉम। इनका साइज जो होता है, इट इज अबाउट 100 to 1000 एंगस्ट्रॉम। और इससे टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। इससे हम लोग करते हैं क्या, सो दीज न्यूक्लियर पोर्स, यहां पे एक पॉइंट बना के हम लोग लिख लेते हैं कि दीज न्यूक्लियर पोर्स हेल्प्स इन द transportation of RNA and proteins and
प्रोटीन्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस बोथ डायरेक्शंस में. इसका क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्ट होता है. किनका ट्रांसपोर्ट, मेनली ट्रांसपोर्ट किसका किसका होता है, आरएनए का होता है, प्रोटीन्स का होता है, ठीक है ना. इनका ट्रांसपोर्ट क्यों होता है, आप लोग क्लास ट्वेल्थ में जब आप लोग मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ोगे तो आप लोगों को इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझ में आएगा कि क्यों हमें आरएनए को बाहर ट्रांसफर करना है या प्रोटीन बाहर से अंदर क्यों जाते हैं. आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लास ट्वेल्थ में मॉलिकुलर बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. बट अभी हम लोगों को इतना देखना है कि आरएनए और प्रोटीन्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. बाहर साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म से अंदर कुछ चीजें आती हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं. 100 to 1000 एंगस्ट्रॉम इनका क्या होता है, हमारा साइज होता है, इनका डायमीटर भी बोल सकते हैं. द डायमीटर ऑफ दीज न्यूक्लियर पोर्स आर 100 to 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है. अगर हम लोग न्यूक्लियस के नंबर की बात करें तो ये वेरी करता है, द नंबर ऑफ द न्यूक्लियस वेरीज, ठीक है ना. ये किसी सेल में एक न्यूक्लियस हो सकते हैं, किसी सेल में दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं. डायकैरियोटिक न्यूक्लियस होते हैं, मल्टीकैरियोटिक न्यूक्लियस भी होते हैं, और कुछ कुछ सेल्स तो ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट सम सेल्स, तो हम लोग बात कर सकते हैं मैमेलियन आरबीसी की. मैमेलियन आरबीसीज की अगर हम लोग बात करें, जो इथ्रोसाइट्स, दैट इज़ रेड ब्लड कॉर्पसिकल्स, ठीक है ना, इनकी अगर हम लोग बात करें, या फिर अगर हम लोग प्लांट्स में बात करें सीव ट्यूब एलिमेंट्स की, जो कि वास्कुलर टिश्यूज का पार्ट होता है, वास्कुलर टिश्यूज का पार्ट होता है, तो अगर हम लोग इन दोनों सेल्स की बात करें तो दे लैक न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है. मैमेलियन आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है. एक्सेप्शंस हैं कुछ कैमल्स, कैमल्स के आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है. लामा होता है एक एनिमल, उसके भी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है. बट इन जनरल इफ वी टॉक अबाउट मैमेलियन आरबीसीज, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट, वी ऑलरेडी नो दिस. और सीव ट्यूब एलिमेंट्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, बट न्यूक्लियस ज़्यादातर सेल्स में प्रेजेंट होता है, और इसका नंबर भी वेरी कर सकता है फ्रॉम 1 to 2 to many न्यूक्लियस. ये इतने न्यूक्लियस भी हो सकते हैं. इसके बाद हमारे न्यूक्लियर एनवेलप की जब हम लोग बात कर लेते हैं, उसके अंदर आती है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमैटिन नेट, ठीक है. और उसके बाद आता है क्या, हमारे न्यूक्लियोलस, दैट इज लिटिल न्यूक्लियस, जिसकी हम लोग बात अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे.